Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा कि आरोही को डिस्चार्ज मिल जाता है, वही अक्षरा और अभिमन्यु डिसाइड करते हैं कि वो फिर से मिलेंगे। जहां अक्षरा को लेने के लिए अभिमन्यु खुद आते हैं, वहीं अभिमन्यु अक्षरा को अपने घर लेकर जाते हैं। जी हाँ, अभिमन्यु अक्षरा को सभी घर वालों के सामने लाते हैं और अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं फिर से। वही अक्षरा सभी घर वालों के सामने पहले माफी मांगती है और वो कहती है कि वो उस दिन अपनी दिल की बात नहीं कह पाई थी, लेकिन वो आज अपनी दिल की बात बताएगी। जहाँ अभिमन्यु अक्षरा की बातों को सुनकर काफी ही एक्साइटेड है, वहीं अक्षरा सभी घर वालों को बताती है कि वो उस दिन अपनी बहन और फैमिली के बीच में काफी ही उलझन में फंस गई थी, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाई और इतना सब कुछ होने पर उसने चुप रहना सही समझा। इतना ही नहीं, अक्षरा ये भी कहती है कि वो अभिमन्यु से जब से मिली है तब से अभिमन्यु ने उसकी लाइफ में कई सारे चेंजेस लाए हैं और उससे और अब वो अभिमन्यु के प्यार में है। जहाँ ये बात सुनकर सभी घर वाले काफी ही खुश हो जाते हैं, वही अभिमन्यु के भी चेहरे पे काफी हंसी आ जाता है। जहाँ अभिमन्यु और अक्षरा के बीच में एक क्यूट सा रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ अभिमन्यु अक्षरा से गले मिलते हैं और जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे से आई लव यू भी कहते हैं। वहीं अब देखना यह है कि क्या सच में अक्षरा ने अपनी दिल की बात सभी घर वालों के सामने कह दी है या ये कोई एक सपना है। वेल, ये सब देखना वाकई ही दिलचस्प हो गया है। टीवी सीरियल की और कई सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए IWM भारत से यूट्यूब चैनल पर।